नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चौक पर बहरा गटर का पानी, सावनेर में बिजली की आग मिचोली से जनता त्रस्त, मिहान में बनेगा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। पहले गटर और नाली का पानी केवल बस्तियों, बाजारों और मुख्य सड़कों पर और पॉश इलाकों में ही नजर आ रहा था, लेकिन अब यह समस्या शहर के मुख्य चौक चौराहे पर भी नजर आने लगी है। बारिश होते ही शहर के कई चौक चौराहे पर गटर का पानी अब सड़कों पर बहने लगा है। कामगार चौक पर गटर का पानी थोड़ी सी बारिश के बाद ही बाहर सड़कों पर बहने लगता है। इसकी शिकायत स्थानीय व्यापारी भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन समस्या आज तक खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा नरेंद्र नगर, स्नेहा नगर, छत्रपति चौक समेत पॉश इलाकों में भी यह समस्या आम हो गई है। बारिश के कारण इन क्षेत्रों के नाली और गटर का पानी सड़कों पर बहने लगा। गटर का चेंबर खुलने से पानी सड़कों पर ही कई दिनों से जमा है, लेकिन जिम्मेदारों के पास इसे ठीक करने का भी समय नहीं है। परिसर के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है, बावजूद इसे अब तक ठीक नहीं किया गया है। खुले चेंबर को पत्थरों का ढेरा बनाकर छोड़ दिया गया है, लेकिन इस मार्ग पर पैदल चलने वाले रहवासी और साइकिलिंग करने वाले बच्चों के लिए ये हादसे का कारण भी बन सकता है। दूसरी खबर, इन दिनों रोजाना बिजली विभाग द्वारा जाने वाली अघोषित लोड शेडिंग और बार बार बिजली की आग मिचौली से जनता त्रस्त हो गई है। बारिश के मौसम में मौसमी कीड़ों के साथ शहर में मच्छरों की तादाद भी बढ़ गई है। जरा सी बिजली बंद होने पर मच्छरों की पूरी फौज लोगों के घरों पर हमला कर देते हैं। इससे लोगों की दिन और रात में नींद हराम हो गई है। ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों का भी काफी नुकसान हो रहा है और इससे अब पालकों का भी सिर दर्द बढ़ गया है। एक और जहां सरकार बिजली के प्रति यूनिट दाम बढ़ाकर जनता की जेबें खाली कर रही है, लेकिन जनता को सेवाएं देने में बिजली विभाग असमर्थ है। बार बार खंडित होने वाली बिजली पर अंकुश लगाने की मांग स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है। तीसरी खबर, मिहान के चुनहुमिकी विकास के लिए उद्योगों के अलावा होटल, अस्पताल, रिहायशी इमारतें आदि विकसित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी की ओर से विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर शहर की एक कंपनी को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और नर्सिंग होम के लिए जगह आवंटित की गई। एमएडीसी के उपाध्यक्ष दीपक कपूर के हाथों जमीन का आवंटन किया गया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।